हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम आपके सामने छोटे बच्चों की फीडिंग बॉटल का एक डिटेल रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अगर आपको फीडिंग बॉटल परचेज करनी है तो किस तरीके से करें और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोई भी फीडिंग बॉटल ले रहे हैं उसको स्टरलाइज कैसे करेंगे। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील की बॉटल लेते हैं तो वो हमारे नॉर्मल यूटेंसिल्स में स्टरलाइज हो जाते हैं। और बात करते हैं इसकी हाइजीन की, अगर हम बात करते हैं इस फीडिंग बॉटल की, मैक्सिमा कंपनी की तरफ से आती है और साथ ही साथ इसमें हर एक चीज़ कंपनी मेंशन करके देती है। ये 304 ग्रेड की होती है और हर एक चीज़ हाई क्वालिटी स्टील पूरा ये मेंशन करके देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि और बाकी फीडिंग बॉटल्स की जो मार्केट में अवेलेबल हैं तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो यहाँ पे आपको प्लास्टिक देते हैं, तो आपका स्टील बॉटल लेने का पर्पस पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है। उसी के साथ साथ अगर इसके अंदर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एक सिलिकॉन का निपल मिलता है। ये वाली जो बॉटल होती है वो बहुत इजीली स्टरलाइज हो जाएगी। और एक डिमांड और मैंने देखा है कि मार्केट में होती है कि थर्मोस्टील की फीडिंग बॉटल, थर्मोस्टील की जो फीडिंग बॉटल होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आप जो भी आप चीज़ फीड कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर सकते, उसका टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कभी भी थर्मोस्टील की फीडिंग बॉटल लेने से बेटर है सिंगल लेयर की फीडिंग बॉटल लीजिए, जिसमें आपको टेम्परेचर एक आपको आइडिया लगा रहेगा कि कौन सा टेम्परेचर में रहता है। और अगर इसकी हाइजीन की बात करते हैं तो इसको ईजिली आप स्टरलाइज कर सकते हैं। और इसके अगर साइजेस की बात करते हैं तो ये 250 ml में अवेलेबल होती है, 220 ml में अवेलेबल होती है और 150 ml में अवेलेबल होती है। साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करते हैं, जैसे मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपनी फीडिंग बॉटल्स को लॉन्च करते हैं और इतनी हाइप बना देते हैं उस चीज़ को कि लोग उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ परचेज करें सोच समझ के और हाइजीन के हिसाब से करें। और अगर हम बात करते हैं ये वाली बॉटल्स की, तो ये मैक्सिमा कंपनी की तरफ से आती है जो मेरे हिसाब से थम्सअप रहेगी अगर आप अपने बच्चों के लिए फीडिंग बॉटल लेना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।